स्वागत है आप लोग का बेहकॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम गारंटी है पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपका जो बुक का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछेगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि विशेषताएँ क्या होती है। ठीक है, तो पहले हिंदी मीडियम वाले को बताऊंगा, फिर इसी चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी बने रहिए। ठीक है, पहले हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में बताऊंगा। पहला है लागत लेखांकन का एक भाग है। मतलब क्या है? इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है। लागत लेखांकन लेखांकन का ही एक भाग है। इन लेखों में भी वित्तीय लेखों की भांति दोहरी लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह एक विशेष भाग है इसका, जिसका संबंध लागत क्षेत्र यानी एरिया ऑफ कॉस्ट से। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो कॉपी कलम निकाल के बैठिए और नोट कर लीजिए। सर डबल एंट्री सिस्टम हमें कहाँ पढ़ाओगे भाई? ये कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ने का है। कॉर्पोरेट अकाउंट में वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाकर पढ़ सकते हो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। मतलब कि दिस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ये तो आप लोग हमेशा जानते हो भाई, इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट, हमेशा पढ़ के आओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लागत लेखांकन एक विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की भांति इसके कुछ निश्चित नियम एंड सिद्धांत है, यानी कि इसमें क्या है, कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स है। ठीक है, कुछ सिद्धांत है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, साइंस। और साथ ही कला भी है। क्यों? इसमें बताया जाता है कि निश्चित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सके, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा है उसे कैसे अचीव किया जा सके, तो उसके लिए हम इसे क्या कहेंगे, कला। यानी कि दिस इज ए व्हाट, कला और विज्ञान। समझ में आया? नोट कर लो। अच्छा, ये देखिए क्या बोल रहा है। समस्त व्ययों का लेखा, मतलब जितने भी खर्चे होते हैं ना, सभी को लेखा जोखा कहाँ करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। इसमें किसी वस्तु का निर्माण में प्रारंभ से अंत तक समय, देखिए एक वस्तु यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने में शुरू से लेकर, एक इनिशियल स्टेज से लेकर जब आपका आउटपुट बनता है ना, तो उसमें बहुत सारे खर्चे की जाते हैं, एक्सपेंस, तो उसे रिकॉर्ड कहाँ करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में। समझ में आ गया ना? लिख लोगे? इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा आपको। चौथा लेक्चर है आज का। क्वेश्चन ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। असर्टमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट निकालना और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलता है। टोटल कॉस्ट आपके पास आ गया ना, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा, यानी एक एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में आपको कितना खर्चा लगा। मान लिया आपने टोटल प्रोडक्ट बनाइए, 5 लाख रुपया लगा, और यूनिट कितना बना, 50,000, तो 5 लाख डिवाइड 50,000 कर दोगे, 10, एक एक यूनिट को बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपये का खर्चा आया, तो वही एसर्टेनमेंट हो जाता है। आप बढ़ सकते हो। इनमें निमित वस्तु प्रदान की गई सेवा कुल लागत तथा प्रति लागत ज्ञात हो सके। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अर्ध निर्मित कार्य की लागत जानना। मतलब सर, अरे मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रोडक्ट जो है ना आधे निर्मित होते हैं, मतलब उनका काम चल रहा होता है बट पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेमी प्रोडक्ट गुड्स हम करते हैं इसे, यानी कि रास्ते अभी आधा काम हुआ है उस गुड्स में, तो उसे सेमी प्रोडक्ट कहा जाता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस अभी उस पर चल रहा है, तो उसकी भी हमें कॉस्ट पता चल जाती है। ठीक है, लिख लोगे। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजिकल डिसीजन में बहुत ही प्रबंधकीय निर्णयों में सहायक होता है। लागत लेखांकन के विभिन्न प्रदत्त सूचनाओं को प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रबंधकों तक पहुंचाया जाता है, वही रिपोर्ट बनाया जाता है, और उसमें मैनेजर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब मैनेजर में आपको कौन आएगा, ऑपरेशनल मैनेजर और फिनांस मैनेजर। अब सर हमें ऑपरेशनल मैनेजर फिनांस मैनेजर पे भी समझिए। देखिए भाई, ये आप पढ़ेंगे कहाँ पर, FM फिनांशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा चैप्टर लेवरेज, वहाँ आपको पता चलेगा कि फिनांशियल मैनेजमेंट का क्या काम है और ऑपरेशनल मैनेजर का क्या काम है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड देखिए। लागत लेखा प्रणाली एक वैधानिक पद्धति है क्योंकि इस प्रणाली का विस्तृत प्रयोग से सांख्यिकीय आंकड़ों को तैयार किया जाता है। लागत नियंत्रण की पद्धति को लागू करना व लाभकारिता ज्ञान करना सम्मिलित है। तो ठीक है, साइंटिफिक मेथड भी इसको हम कहते हैं।
यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइज। भाई ये जो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स। अब बिजनेस, अब मान लीजिए मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, वहाँ मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, यानी कपड़ा का दुकान है, तो वहाँ मैं थोड़े कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने बैठूँगा। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन बनाएगा? जो उस कपड़े को प्रोड्यूस कर रहा है, समझ में आया। लागत लेखांकन प्रणाली का प्रयोग उत्पादन यानी मैन्युफैक्चर एंड व्यवसायिक कार्य करने की संस्थाओं को किया जाता है, ठीक है। देख लिया, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को छुट्टी, बाय बाय, जाइए। अब इंग्लिश मीडियम वाले का क्लास स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आ जाइए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कुल मिला के क्या पूछ रहे हैं कि एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो पहला मैं आपके लिए लेके आया हूँ सूटेबिलिटी, ठीक है। देयर कैन नॉट बी ए सिंगल सिस्टम ऑफ कॉस्ट विच कॉस्टिंग विच कैन बी अडोप्टेड, ठीक है, बाय ऑल अंडरटेकिंग। दैट मीन्स ईच अंडरटेकिंग शुड बी सिलेक्टेड ए सेपरेट कॉस्टिंग सिस्टम फॉर इटसेल्फ विच इज सूटेबल। मतलब कि भैया अपने आप में ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अडोप्ट करो जो कि क्या हो, सूटेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी। भाई सिंप्लिसिटी मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपने अडॉप्ट किया तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कोई बंदा समझ जाए, जो बंदा ऑपरेट कर रहा है वो समझ जाए। उसे समझ ही नहीं आ रहा है तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या फ़ायदा, समझ जाओ। तो वो क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी कि ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। अब ऐसा कर दोगे कि इतना कॉम्प्लेक्स बना दोगे कि ऑपरेट करने में दिक्कत हो जाएगा, तो वो क्या होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और सिंपल टू ऑपरेट होना चाहिए। ये देखिए, द सुपरवाइजरी स्टाफ द वर्क स्टाफ एंड कॉस्ट ऑफिस स्टाफ कैन पिक इट अप क्विकली एंड ऑपरेट इट इफेक्टिवली, ठीक है, लिख लोगे, नोट कर लीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक्यूरेसी, द कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर एक्यूरेसी, इट मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा, यानी ये नहीं गलत से डाटा प्रोवाइड कर रहा है, एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करना चाहिए टू जॉब प्रोसेस ऑपरेशन ऑन ऑल देयर कंस्टिट्यूट एलिमेंट, ठीक है। नाउ इलास्टिसिटी के बारे में देखिए, द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी इलास्टिक और फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू अल्टर कंडीशन ऑफ बिजनेस। दिस इज नेसेसरी बिकॉज इट विल एक्सट्रीमली वेस्टफुल टू स्क्रैप अवे वन सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग आफ्टर इट हैज बीन ऑपरेशन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर एंड अडॉप्ट ऑल्दो ए न्यू सिस्टम व्हेन देयर आर सम चेंजेस इन कंडीशन, यानी कि इलास्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। There are various forms of end document used under costing system. Must be uniform in size, quality of paper printed form must be used to avoid delay in preparation of report. मतलब कि better quality का जो है आपको paper use करना चाहिए, size और printed सब अच्छे रहना चाहिए ताकि क्या हो, delay नहीं हो, ताकि delay नहीं हो preparation of what? Report बनाने में delay नहीं हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, size और quality of paper जो है printed uniform होना चाहिए। इसका मतलब uniformity भी एक क्या है, characteristics है। देखिए कंपेबिलिटी, देखिए द कॉस्टिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर कंपेबिलिटी, दैट इज द कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड फॉर द कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट डाटा ऑफ वन पीरियड विद दोज विद अदर, यानी क्या होना चाहिए कि एक पीरियड का डाटा, माने 2021 का मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा पड़ा है, 22 का पड़ा है, तो इन दोनों में कंपेयर कर दूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपेबिलिटी, ताकि इससे पता चल जाए ना कि हमारा इस साल का रिकॉर्ड क्या है। कॉस्ट सिस्टम शुड ऑल्सो प्रोवाइड कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट डाटा ऑफ कंसर्न विद दोज ऑफ कंसर्न इन स्टोर स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है। इससे क्या, तो अब मेरी इंडस्ट्री और आपकी इंडस्ट्री है, तो उन दोनों का जब कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लेंगे और कंपेरिजन करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। सिस्टमेटिक वेजेस सिस्टम, ठीक है, तो वेजेस सिस्टम जो लेबर को होना चाहिए, द कॉस्टिंग प्रोवाइड शुड प्रोवाइड फॉर सिस्टमेटिक वेजेस सिस्टम टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ लेबर। देयर शुड बी वेल डिफाइंड फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब्स फॉर प्रिपेयरिंग वर्क। देखिए क्या होता है कि भाई आप वर्कर हो तो एक वर्कर
एक जॉब पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उस हिसाब से आपको जो है उस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक वेजेस सिस्टम है। पीरियोडिक रिजल्टिंग, ये बहुत अच्छा है भाई। ए गुड कॉस्टिंग सिस्टम वुड प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक रिजल्ट। दिस इज द कॉस्टिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ कॉस्टिंग रिजल्ट सिस्टमेटिकली व्हेन देयर इज पीरियोडिकल रिजल्ट। कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर विद प्री डिटरमाइंड एंड बजट कॉस्ट एंड परफॉर्म इफ देयर इज वेरियंस स्टाफ एंड टेक इंश्योर दैट एक्चुअल कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस रिस्पॉन्ड विद प्री डिटरमाइंड और बजट कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। पीरियोडिकल रिजल्ट होना चाहिए, पीरियोडिकल रिजल्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आपका जो है प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ कॉस्टिंग जो रिजल्ट है, व्हेन देयर इज पीरियोडिकल रिजल्ट, अगर यहाँ पीरियोडिकल रिजल्ट होगा, पीरियोडिकल रिजल्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट और परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर, यानी एक्चुअल कॉस्ट और परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो और लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दो। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लेना और टेलीग्राम पर मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नाम है वैभव कॉमर्स क्लास।